नमस्कार, G24 लाइव न्यूज में आपनो स्वागत छे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू करायेल सेवाही संगठन ना कार्योनी समीक्षा करवा आणंद जिला प्रभारी मंत्री अमित भाई ठाकरे आणंद जिला प्रवास ने शुरुआत करमसद स्थित सरदार पटेल साहेब ना निवास स्थाने थी करी छे। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकोनी सेवा ना कार्य शुरू करवामां आव्या हता। जे कार्योनी समीक्षा करवा एक दिवसना आणंद जिल्लाना प्रवासे जिल्ला प्रभारी अमित ठाकरे आव्या हता, जेनी आज रोज करमसदथी शुरुआत करी हती। आज रोज आणंद विद्यानगर अने करमसदना कार्यकरो साथे मुलाकात करी समीक्षा करवामां आवी हती, तेमज आवनार समयमां पेज कार्यकरो सुधी जिल्ला कक्षाए पहोंची मुलाकात करवामां आवशे। आ कार्यक्रमनी शुरुआत आज रोज तेमणे करमसद स्थित सरदार पटेलना निवास स्थानेथी करी छे। अनेक विविधताओं थी भरेला आ भारत राष्ट्र ने जो कोई राष्ट्र मंदिर कहूँ हो तो ये आ सरदार पटेल निवास स्थान ने कही सकाय। राष्ट्र मंदिर एवं सरदार निवास स्थान दर्शन करीने आणंद जिल्लाना प्रभारी तरीके आज प्रवासनी शुरुआत करवा जई रह्या छे। आ समय अहीं शुरुआत ए सरदार पटेल निवास स्थान आज चौगान है एने स्वच्छता सावरणी थी संपूर्ण रीते वाली अने रज स्नान कही सकाय सरदारना निवासनू, ए रज स्नान करी अने आणंद जिल्लाना प्रवासनी शुरुआत करीए छे। विपुल भाई अने सांसद मितेश भाई ना नेतृत्व में बधा ज महामंत्रीओए दिलीप भाई अने एवा अमारा सीनियर नेताओनी आगेवानी में आणंद जिल्लाए जे कोरोना काळनी अंदर जे सेवाना काम कर्या छे, एवरेज कहो तो रोजना 20-25 अलग अलग सेवाना कार्यो आणंद जिल्लानी टीमे कर्या। ज्यारे कोरोनानी अंदर अनेक जिल्लाओ ए खूब रीते सपड़ाया हता त्यारे आणंद जिल्लाना गामडाओनी अंदर फरी फरीने लोकोने गामनी अंदर ज कोरोनानो इलाज मळी जाय, ज्यां जरूर होय त्यां सेवा मळी जाय, ज्यां जरूर होय त्यां अनाज मळे, दवा मळे, ए प्रकारनुं जे काम कर्युं छे ए कामनी समीक्षा करवा माटे आजे आणंद विद्यानगर करमसदना कार्यकर्ताओ साथे आजे मुलाकात छे अने आगामी दिवसनी अंदर पेज समितिना आधार उपर आ राष्ट्रने एक राखवा माटेनी जे विचारधारा छे ए भारतीय जनता पार्टीनी विचारधाराने लई अने समग्र जिल्लानो प्रवास थवानो छे। ए प्रवासनी शुरुआत आजे करी छे, समग्र दिवस दरमियान प्रवास रहेशे अने सेवाही संगठनना कार्य माटे हूँ आ प्रसंगे जिल्लानी टीमने अभिनंदन आपू छूँ। साहेब, आणंद जिल्लामां कोंग्रेसना 5 धारासભ્યો છે તો આગામી સમયની અંદર જે કાગળ લખવાથી કોઈ વિકાસ ના થાય તો ભાજપની શું રણનીતિ રહેશે? ભારતીય જનતા પાર્ટીની એકમાત્ર રણનીતિ છે કે જનતાની વચ્ચે રહો, જનતાના સુખે સુખી દુખે દુખી એ પ્રકારની જે કાર્યપદ્ધતિ છે, કાર્યકર્તાઓનું જે બળ છે દિવસ રાત એક કરે ને જે રીતે ચાલે છે, કોંગ્રેસનો કાર્યકર્તા આ જગ્યા નથી કે જ્યાં હું એમના વિશે ટિપ્પણી કરું, પરંતુ જે લોકો કાર્યકર્તાની વચ્ચે રહેશે જનતા હંમેશા એની સાથે રહેશે। G24 લાઈવ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે।